पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 5 मिनट की ताखीर से 11:05 पर स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल की जेरे सदारत शुरू हुआ। पंजाब असेंबली के तीसरे रोज के इजलास में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला भी जेरे बहस रहा। यंग डॉक्टर्स के खिलाफ हुकूमती इश्तिहार के मामले पर डॉक्टर सामिया अमजद एहतजाजन ईवान से वॉकआउट कर गयी, ताहम स्पीकर के बुलाने पर वापस ईवान में आ गई। डिप्टी पार्लियामानी लीडर शौकत बसरा ने खिताब करते हुए कहा कि यंग डॉक्टर्स तनख्वाहों में इजाफा न होने पर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की कमी से पंजाब में कोई मौत वाकई हुई तो जिम्मेदार वज़ीर-ए-आला पंजाब होंगे। स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल ने यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के मामले पर 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 अरकान शामिल होंगे। पंजाब असेंबली में यूनिफिकेशन ग्रुप के डॉक्टर ताहिर अली जावेद की आमद पर अपोजिशन की खवातीन अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी और लोटा लोटा के नारे लगाए। अपोजिशन के नारों के जवाब में हुकूमती बेंचों पर बैठे अरकान भी नारों का भरपूर जवाब देते रहे, जिस पर बिलाखिर स्पीकर ने 1 घंटा 25 मिनट बाद असेंबली का इजलास बुध की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने कहा कि वज़ीर आला कायदे ईवान हैं, उनकी इजलास से गैर हाजिरी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि वो लोटों को बेनकाब करने पर मीडिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं एक दफा फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कायदे ईवान हैं, आप अवान में आए, अवान में आने से आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी, आप इस अवान के मुंतखब वज़ीर आला हैं और इस अवान में आना आप अपनी बेइज्जती समझते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। अगर मुल्क का वज़ीर आज़म रोज़ाना अवान में आ सकता है तो वज़ीर आला क्यों नहीं अवान में आ सकता। सूबाई वज़ीर कानून राणा सनाउल्लाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि असेंबली की गुज़श्ता 3 रोज की कार्रवाई में ऐसा कोई मसला नहीं उठाया गया कि वज़ीर आला ईवान में आए। उन्होंने कहा कि राजा रियाज को हुकूमत से अलग होते ही हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही हैं। राजा रियाज साहब पहले अपने अंदर इतनी अहलियत तो पैदा करे, उनकी बात में इतनी अहलियत, इतनी हिकमत, इतनी दानश या कम अज़ कम आखिरी दर्जे की अकल हो तो वो बात करें जिसका जवाब जो है वज़ीर आला आगे दे। इजलास के बाद काफ लीग के खवातीन अरकान ने असेंबली की सीढ़ियों पर मुजाहरा किया और लोटों की दुकान सजा ली। इस मौके पर यूनिफिकेशन ब्लॉक के डॉक्टर ताहिर अली जावेद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दूसरी जानब निजी टीवी के कैमरामैन को गोली लगने के खिलाफ सहाफियों ने भी पंजाब असेंबली के अहाते में एहतजाज किया। कैमरा टीम के साथ आमिर डार और उमर असलम, सिटी 42।